विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। हजरतगंज के मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर पर लगी गोली, गोरखपुर के रहने वाले थे रणजीत बच्चन। तो आपको बता दें कि इस वक्त काफी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके सिर पर गोली लगी है और रणजीत बच्चन जो है वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई सिर में गोली लगने से। तो आपको बता दें कि लखनऊ से ये काफी बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे जिनकी हत्या कर दी गई है, तो लखनऊ में ये बड़ी खबर आ रही है। सुबह से मॉर्निंग वॉक के समय विश्व हिंदू महासभा अध्यक्ष के जो अध्यक्ष थे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। तो आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रणजीत बच्चन जो है उनकी मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या कर दी गई, सिर पर गोली लगने से उनकी हत्या हुई है। वहीं मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। तो विश्व हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रणजीत बच्चन जो मॉर्निंग वॉक करने निकले थे और मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी हत्या कर दी गई है। तो आपको बता दें कि राजधानी से बड़ी खबर है, राजधानी के लखनऊ हजरतगंज में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार सुबह यानी कि आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रणजीत बच्चन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बता दें कि रणजीत बच्चन हजरतगंज के OCR बिल्डिंग में रहते थे। रणजीत बच्चन मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं, वह समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया करते थे। बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और साथ ही मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों देख सकते हैं कैसे वो कार्यकर्ता बैठक में उनकी पुरानी कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। वही गोरखपुर के रहने वाले थे रणजीत बच्चन, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घटना करीब सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। रणजीत बच्चन अपने एक दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जब वे ग्लोबल पार्क से निकल रहे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी। इस वारदात में उनके दोस्त आशीष भी घायल हुए हैं जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। हत्या की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता गगन मिश्रा हमारे साथ पूरी जानकारी को लेकर, विस्तृत जानकारी को लेकर जुटे हैं। तो गगन, ये पूरा मामला क्या है, क्या देखा जा सकता है इस मामले को, हत्या की वजह क्या मानी जाए? आप देखिए, फिलहाल तो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और मॉर्निंग वॉक पे निकलते हुए करीब 6:30 बजे दो लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और रणजीत बच्चन को गोली मार के, सर पे गोली मार के चले जाते हैं। क्योंकि रणजीत बच्चन हिंदू महासभा से जुड़े हैं और कल ही उन्होंने अपनी OCR बिल्डिंग जहाँ पर रहते हैं वहां पर CONRC के सपोर्ट के लिए एक हवन का आयोजन किया था और काफी भीड़ जुटाई थी। इसी को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार कल कुछ क्या लोग ऐसे लोग आए थे जिनके साथ रणजीत बच्चन से कोई विवाद हुआ था या फिर कोई पुरानी विवाद है, क्योंकि लगातार वो एक खास समुदाय के खिलाफ वो बोल रहे थे। एक अपने हिंदुओं की आवाज देखिए काफी सालों से ही वो मुहिम चलाए हुए थे और एक खास समुदाय के विरोध में काफी जहर भी उनके भाषणों में दिखता था, उनकी क्रियाकलापों में दिखता था। इसी को लेकर कई हर पहलुओं में पुलिस जांच कर रही फिलहाल, क्योंकि जो बदमाश आए थे उन्होंने डायरेक्ट उनके सर पे गोली मारी थी, तो हर पहलू में पुलिस अभी फिलहाल जांच चल रही है। जी गगन, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो क्या देखा जाता है किसी रंजिश की वजह से, जो एक खास समुदाय को लेकर वो अक्सर बयान दिया करते थे, तो अलग समुदाय के लोगों ने रंजिश के चलते इनकी हत्या की हो? आप देखिए, बिल्कुल कल से ही उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे और सोशल मीडिया पे काफी एक खास समुदाय के लिए आग उगली थी और कल भी उनसे OCR बिल्डिंग में ही एक हवन का आयोजन किया गया था जिसमें CONRC के सपोर्ट को लेकर एक हवन किया गया था। काफी करीब 20-25 लोग आए थे वहां पर, वहां पे एक भाषण भी दिया था जो आज दिल्ली में जिस तरह से शाहीन भाग में चल रहा है उसको लेकर भी काफी उन्होंने बयानबाजी की थी। तो वो पूरे प्रकरण को, क्योंकि अभी पुलिस फिलहाल उनकी पहचान कर पाई है कि ये रणजीत बच्चन है और हिंदू महासभा से जुड़े हैं, लेकिन क्या कारण है, किन्होंने मारा है, अभी फिलहाल पूरी जितने भी हजरतगंज में CCTV लगे हुए हैं उनका फुटेज संभाली जा रही है और लोगों से बातचीत की जा रही है कि आखिरकार वो यहाँ तो किसके साथ रह रहे थे। तो हर तरह के पहलू बातचीत कर दी, लेकिन जिस तरह से
हिंदू महासभा के विश्व हिंदू महासभा एक खुद का संगठन था, उसके अध्यक्ष हैं। इससे पहले कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। लखनऊ में जिस तरह से हिंदू महासभा से टारगेट किया जा रहा है, उस तक पुलिस काफी चिंता है और लगातार हर पहलू में जांच की जा रही कि कहीं कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई थी उसी से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं है, या फिर इनका कोई पर्सनल विवाद था, या इनके जो हिंदू महासभा संगठन के जिस तरह से इनका हिंदू महासभा संगठन चल रहा था उससे किसी को दिक्कत तो नहीं थी, उसी चलते हत्या नहीं, हर पहलू में जांच चल रही है जी। जहाँ हिंदू महासभा के जो थे उनको कमलेश तिवारी की हत्या की, तो वहीं हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष उनकी हत्या, तो इन दोनों हत्याकांडों को साथ जोड़कर देखा जा सकता है गगन? हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग हिंदू महासभा संगठन के अध्यक्ष थे और दोनों अपना अपना संगठन चला रहे थे, लेकिन दोनों की सोच एक ही जैसी थी और एक समुदाय के खिलाफ काफी बोला करते थे, काफी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते थे, तो बिल्कुल एक साथ जोड़ हो सकती है। शायद पुलिस हर पहलू जांच कर रही है कि कहीं उनका कोई पर्सनल विवाद तो नहीं था, या कल जो उन्होंने कार्य कर दिया था वहां पर कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, या किसी से कोई बात तो नहीं हुई थी, क्योंकि कल ये कुछ समय बाद होशियार आए हुए थे, होशियार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते समय उनकी हत्या हो जाती है, तो काफी ये चिंताजनक जो बात है कि जिस तरह से हत्या हुई है वो बिल्कुल पॉइंट सर पे पॉइंट आउट करके गोली मारी गई है, आज की पूरी तरह से उनके लिए जो ट्रेंड थे जो जिन्होंने मारा उस बिल्कुल ट्रेंड थे, तो हर पहलू में पुलिस जांच कर रही है कि कुछ पर्सनल विवाद नहीं था, या जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई कहीं वही स्थानीय चरथा तो नहीं किया है, या जिस तरह से वो बोल रहे हैं एक खास समुदाय के खिलाफ उसी गुस्सा के अनुरूप उनको मार दिए गए। जी अगर अधिकारियों ने कुछ कहा है अभी तक खुलकर इस पूरे हत्याकांड पर? देखिए फिलहाल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार जांच चल रही है, अभी फिलहाल अधिकारियों ने खुलकर कहने से इनकार किया है। हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से मारा गया है वो आसपास पूछताछ की जा रही है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाला जा रहा है, फिलहाल अभी जांच हो चुकी है, फिलहाल अधिकारी की तरफ से कोई किसी प्रकार का बयान या कोई बात सामने नहीं आई है। जी गगन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी जानकारी पे विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।